अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। ले जी आज हॉट सा स्पाइसी सा देसी चाइनीज़ बीफ चिली बनेगा और बिल्कुल हमारे देसी टेस्ट के मुताबिक बनेगा। टेंडर द मोस्ट टेंडर हम इसमें हम मीट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन 500-600 ग्राम जो है बड़ा वाला गोश्त लिया है, बड़े बड़े उसके पीसीस थे। उसको लहसुन अदरक के साथ नमक के साथ प्रेशर कुक कर लिया और बाद में उसको यूँ इस तरह आपने जूलियंस में काटना है या कतलों में आपने काट लेना है। दो शिमला मिर्च जूलियंस में कटी हैं, लहसुन अदरक है चॉप्ड एक एक टेबल स्पून, काली मिर्च है, सोया सॉस विनेगर और तिल हैं, कुटी लाल मिर्च है और कॉर्नफ्लावर है। और हॉट सॉस अगर आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वाली भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी वैसे तो ये इसमें मॉइस्चर मौजूद है तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन आप थोड़ी सोया सॉस डाल के तकरीबन एक टीस्पून और टेबल स्पून, और उसके बाद आपने इसमें डालना है एक एक टेबल स्पून करके कॉर्नफ्लावर, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर जो है ये इसको बनाएगा क्रिस्पी। हमने क्रिस्पी जो है वो बीफ रखना है। और उसके बाद मिक्स कीजिए, टॉस कीजिए, अच्छी तरह कोट हो जाए, फिर थोड़ा जब बीफ के मॉइस्चर की वजह से कॉर्नफ्लावर थोड़ा गायब हो जाएगा तो दोबारा हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो उसके बाद आपने मीडियम हाई पे अपने जो है वो रखना है पैन, और उसमें ऑयल डाल के हमने इसको करना है डीप फ्राई बैचेस में। और बैचेस में इसलिए कि लाइक यू नो कि ये अगर ओवरक्राउड हो जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा ऑयल और ये क्रिस्पी नहीं बनेगा बीफ। तो बस चूँ ही ये दोनों साइड से गोल्डन होगा तो उतना ही हमने इसको ब्राउन करना है, ना ओवर कुक करना है ना डार्क करना है, बस ये सॉफ्ट रहे कि ऊपर से आपको जूँ ही क्रिस्पी लगेगा, अंदर से टेंडर तो है ये। तो बस हमने इसको निकाल लेना, ड्रेन करके आपने इसको साइड पे रख लेना। टोटल रेसिपी जो है अगर आपकी प्रेप है तो ये तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो ये देखिए जी, दूसरी साइड पे चाहें तो आप चावल उबलने के लिए रख दीजिए थोड़ा सॉल्ट डाल के, और उसके बाद चॉप गार्लिक का उसके साथ उसको ऑयल के साथ तड़का लगा दीजिए तो आपके गार्लिक राइस बन जाएंगे। या आप स्पेगेटी बना सकते हैं बॉयल्ड, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो बस इसको हमने ड्रेन कर लेना है और उसके बाद हमने कढ़ाई रखनी है और उसके अंदर हम बाकी का अपना इसको बनाएंगे। यहाँ पे देख ली, एक टेबल स्पून सिर्फ ऑयल लगा है और इसमें जो है हमने जिंजर और गार्लिक चॉप्ड है उसको हमने सौते करना है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आपने बहुत तेज़ उसको गर्म करना है, स्मोकिंग हॉट करके उसमें ऑयल डालना है और ऑयल को इसी तरह चारों तरफ लगा के और फिर ज़्यादा जो ऑयल है वो निकाल लीजिएगा और एक टेबल स्पून रहने दीजिएगा। और फिर उसमें जब आप ये जिंजर गार्लिक करेंगे तो ये चिपकेगा भी नहीं, मीट भी नहीं, किसी भी किस्म का जो मीट है वो उसमें चिपकेगा नहीं, आपकी जो कढ़ाई वो नॉन स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ जिंजर गार्लिक जो है उसको हमने सौते करना, खूबसूरत इसकी खुशबू आएगी जो ही कच्चापन ख़त्म होगा। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा जो देसी चिली बीफ होता है। मैंने यहाँ पे सिरके में बहुत तेज़ ये सब्ज़ मिर्च है उसको बना के उसका पिकल रखा हुआ है, मैं वो डाल रही हूँ और इसका बेहतरीन, इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू है, इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ मिर्चों की आपको पता है वैसी बहुत अच्छी लगती है। और ये पिकल जो है इसका तो बस अरोमा ही ज़बरदस्त था, सारे बीफ को जो है ना वो ये इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कोई सॉस जो है वो बाहर की इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो बस इसको हमने इसमें मिक्स कर देना है और थोड़ी सोया सॉस तकरीबन एक टेबल स्पून से भी कम है आपने डालनी है इसमें सोया सॉस, क्योंकि इसका डोमिनेटिंग फ्लेवर हमारी सब्ज़ मिर्चों का है। और इसको ये मिक्स करना है। अच्छा, चाइनीज़ में अक्सर जो है वो चिकन स्टॉक यूज़ करते हैं ग्रेवी के लिए, और उसमें वाकई उसका वो टेस्ट एनहेंसर है, ज़्यादा कर देता है, वो आपने यूज़ करना है। इसमें थोड़ा सिरका लगाएंगे हम, मिर्चों में भी है तो, लेकिन ये एक टेबल स्पून डालेंगे, ये काफ़ी गोश्त है तो उसमें हमने वो डालना है। अच्छा, अब स्टॉक इस्तेमाल कर सकते हैं या मेरी तरह आप क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप छोटे छोटे पीसेस में यूँ क्रश कर लीजिएगा और बस इसको मिक्स कीजिएगा, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा आप जो है ना पानी डाल के दो दो तीन तीन टेबल स्पून पानी के साथ इसको, इसकी ग्रेवी भी जो है वो बना लें और साथ ये जो है क्यूब ये डिज़ोल्व हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा डाला, इसको मिक्स किया और इस तरह की इसकी ग्रेवी जो है बन जाएगी। अब हमें एक्स्ट्रा नमक और उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं, टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, सोया सॉस है, पिकल में भी था नमक और फिर क्यूब में भी नमक है, तो एक्स्ट्रा नमक तो डालने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बीफ। अच्छा, बीफ जो है इसमें बड़े वाले पीसेस मैंने पहले डाले हैं, और कुछ आपको पता है जब आप काटते हैं पका हुआ बीफ होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं रह जाएगा जो छोटे पीसेस होंगे, वो आपने बिल्कुल एंड में डालने हैं।
यूं जो ही ग्रेवी में ये सौते करेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ये सॉस डाली है, मेरे पास पेरी पेरी है, आप कोई भी हॉट सॉस डालिए। और चिली फ्लेक्स डालेंगे तकरीबन एक लेवल टेबल स्पून है ये, और इसको हमने करना है मिक्स। अब तेज़ आँच के ऊपर हम सारा कर रहे हैं, ठीक है। और जूँ ही सर्विंग से पहले आपने करना ताकि आपका बीफ जो है वो क्रिस्पी रहे। देखिए अच्छा से इसको हमने मिक्स कर लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि चावल है साथ तो वो थोड़ी सी जो है ना वो सॉस इसमें हो। जो छोटे वाले बिल्कुल पीस थे वो बिल्कुल मैंने एंड में इसमें शामिल किए, तो उनको हमने एक जान कर लेना है, मिक्स करना है। सारे अच्छे मिक्स हो चुके हैं। थोड़ी सी मिर्च मैंने सब्ज़ मिर्च जो है इसमें और डाली है, लेकिन ये आपका टेस्ट है, क्योंकि मैं इसमें जो है ना वो ब्लैक पेपर वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, तो मैं इसकी सब्ज़ मिर्च का टेस्ट ज़्यादा चाह रही थी, तो आप ये डाल लीजिए या हॉट सॉस डाल लीजिए, ठीक है। ये अब बस इसको हमने गाढ़ा करने के लिए कॉर्न फ्लावर जो है एक टेबल स्पून मैंने लिया था, लेकिन इसमें पूरा नहीं इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अगर आपने ग्रेवी नहीं बनाना चाहते ना तो आप इस लेवल पे इसको थोड़ा सा बस जो है ये पकने दें पानी डाल के, और ये दैट्स इट। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा जो है ना वो ढीला करूँगी ताकि ये चावलों के साथ खाया जा सके। ये देखिए इस तरह की जो है ना इसमें सॉस रहनी चाहिए मज़े की। सीजनिंग चेक करें, शिमला मिर्च डालें, और उसके बाद जी आपने इसको तिल डालना है इसके ऊपर, और ये ज़बरदस्त सा देसी चाइनीज़ बीफ चिली हमारा टेंडर बीफ के साथ तैयार है। इसको स्पेगेटी या आप राइस के साथ जो है वो आप इंजॉय कीजिए और बनाइए, फीडबैक दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।